काला जादू और तंत्र मंत्र पर आधारित मल्टी स्टारर हॉरर फिल्म शैतानी इलाका 13 अप्रैल 1990 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एविल डेड पार्ट 2 का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक भी माना जाता है। हालांकि फिल्म शैतानी इलाका का निर्माण रामसे ब्रदर्स के बैनर तले किया गया था, लेकिन फिल्म का निर्देशन उनके बैनर के पेटेंट निर्देशक तुलसी रामसे और श्याम रामसे के बजाय किरण रामसे ने किया था। सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी भी गंगू रामसे के बदले एस पप्पू को दी गई थी और फिल्म की कहानी डॉक्टर जे के आहूजा ने लिखी थी। डॉक्टर जे के आहूजा इससे पहले रामसे ब्रदर्स के लिए फिल्म पुराना मंदिर, तहखाना, वीराना और पुरानी हवेली की कहानियां भी लिखी थी। फिल्म शैतानी इलाका में दीपक पराशर, श्रीपदा, कंवलजीत सिंह, सतीश शाह, सुरेंद्र पॉल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म में शमसुद्दीन ने एक खून के प्यासे शैतान का किरदार निभाया था और फिल्म के मेन विलेन थे रंजीत। नीलम मेहरा भी शलाखा नाम की एक अहम और बेहद खतरनाक किरदार में नजर आई थी। तुम क्या चाहती हो मेरी बेटी से? बलि चाहती हूँ अंजलि की। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी। एक गांव में एक दुष्ट शैतान ने गांव वालों के बीच आतंक मचा रखा था। गांव के ठाकुर के परिवार के निर्देश पर ठाकुर के लोगों ने उस शैतान को मार डालता है। उस शैतान के पूजा करने वाली लालबाई नाम का एक डायन थी। शैतान के मौत के बाद वो डायन लालबाई काला जादू के मदद से अपने आका को जगाने की कोशिश करता है। हर अमावस की रात वो एक नई नवेली दुल्हन को सम्मोहित करता है और जंगल में ले जाकर अपने हैवान आका के कब्र के सामने उस लड़की की बलि चढ़ा देती है। डायन लालबाई ठाकुर के घर में शलाखा के नाम से उनकी बेटी अंजू की देखभाल करने के लिए एक आया के रूप में रहती है और अंजू को अपने काला जादू के वश में रखती है। लालबाई का इरादा था कि जब अंजू की शादी हो जाएगी तो वो अपने हैवान आका को फिर जगाने के लिए सुहागरात से पहले अंतिम भेंट के रूप में अंजू की बलि चढ़ा देगी। डायन लालबाई उस शलाका के प्रभाव से अंजू हमेशा ही तनाव और सदमे में रहती है। अंजू के माता अंजू को एक मनोचिकित्सक के पास भेजती है। इलाज के दौरान डॉक्टर को एहसास होता है कि अंजू किसी प्रेतवाधा के प्रभाव में है। इसके बाद डॉक्टर बाबू अंजू के घर में आकर शलाका का असली रूप पहचान लेते हैं। जब डायन शलाका को पता चलता है कि ये डॉक्टर उसका पर्दा फाश कर देगा तो वो अपने शैतानी शक्तियों से डॉक्टर को मार देती है। अंजू का इलाज करने आए वो मनोचिकित्सक ने रहस्यमय तरीके से मरने से पहले अंजू के माँ और उसके बॉयफ्रेंड दीपक को एक शक्तिशाली तिब्बती तांत्रिक बाबा का पता बताकर जाता है। अंजू का प्रेमी दीपक तांत्रिक बाबा को ढूंढ निकालता है और उनसे अपने प्रेमिका अंजू को शैतान के प्रभाव से मुक्त करने का अनुरोध करता है। सारी बात सुनने के बाद वो तांत्रिक बाबा ने इस काम को अंजाम देने के लिए दीपक, अंजू और उसके दोस्तों को एक खास जगह पर जाने के लिए कहते हैं। उस खास जगह पर जाने के बाद दीपक और उसके दोस्तों को कुछ और नए और भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी विभिन्न रोमांचक घटनाओं और माध्यम से अपने निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ती है। इस फिल्म का निर्देशन बेहद ही साधारण है। फिल्म में कई जगहों पर चीख, हंसी, उग्र माहौल और ओवर एक्टिंग परेशान करने वाली है, लेकिन फिल्म की एडिटिंग, मेकअप और सिनेमाटोग्राफी काबिल-ए-तारीफ है। बापी लहड़ी का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर औसत गुणवत्ता का था। ये फिल्म हॉरर फिल्म के अमिताभ बच्चन कहलाने वाले दीपक पराशर और हीरोइन श्रीपदा की एक साथ पहली और आखिरी फिल्म थी। 48 लाख रुपए की लागत से बनी इस हॉरर थ्रिलर का पहले हफ्ते का कलेक्शन 27 लाख रुपए था। रिलीज होने पर फिल्म ने भारत में कुल 60 लाख रुपए की कमाई की थी और दुनिया भर में शैतानी इलाका का कलेक्शन लगभग 80 लाख रुपए था।
मुर्दों की हत्या नहीं की जाती। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से शैतानी इलाका एक औसत फिल्म साबित हुई थी, लेकिन हॉरर फिल्म प्रेमियों के बीच इस फिल्म का क्रेज आज भी बरकरार है।